हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एज अ ब्लॉग। सो अभी कर ली है मैंने सहरी, नमाज भी पढ़ ली है, तो अभी मैं नमाज पढ़ कर ही आई हूँ। तो मैं सोचा थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं। तो आज हो गया है 11वां रोज़ा स्टार्ट। 10 रोज़े कब निकल गए पता ही नहीं चला, मतलब बहुत जल्दी रोज़े चले जाते हैं। और ना बहुत अच्छा लगता है रमज़ान के महीने में, ऐसा लगता है कि मतलब ये महीना नहीं जाए, चलता रहे, पता नहीं कि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस अब सोने की कोशिश करती हूँ मैं, और आज काफ़ी काम भी है घर पे, थोड़ी सी साफ़ सफाई में सोच रही हूँ स्टार्ट कर दूँ। ईद आने वाली है और मुझे शॉपिंग भी करनी है। मैंने मतलब मैं ऑनलाइन देख रही थी कपड़े, मतलब सिलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है मुझे, तो मैं वही देख रही हूँ, वरना फिर मार्केट तो जानी ही है। तो देखते देखते 10 रोज़े निकल गए, पता भी नहीं चला है, तो कपड़े की भी तैयारी करनी है। तो चलिए जैसा भी आप लोग साथ शेयर करेंगे, और अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अभी सोने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह सोने की कोशिश की बट नींद नहीं आई, तो उजाला हो गया था तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा बाहर देखते हैं। सनराइज़ हो चुका है हल्का हल्का सा, और ये साथ में चिड़िया की आवाज़ तो बहुत अच्छी लगती है सुबह। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू लगता है एकदम, मतलब सुबह की बात ही अलग होती है। अर्ली मॉर्निंग उठना मतलब बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर मैं बैठी हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, बट हवा अच्छी चल रही है ना, तो बस फ्रूट्स ही लेने के लिए मैं आई थी। फ्रूट्स लेकर आ गए हैं, यहाँ पर सब्जी लेकर आ गए हैं, पुदीना धना सब कुछ आज यही बनाएंगे। अब मेरा रेस्ट हो रहा तो है। मैं किचन में आ गई हूँ, और इफ्तार में आज मैं बना रही हूँ ढोकले। तो चलिए जल्दी से ढोकले बनाते हैं। मैं यहाँ पर ढोकले की बैटर के लिए मैं ये बेसन ले रही हूँ। मैंने 2 कप बेसन लिया था, और इसी कप से मैंने मेजर करके लिया था, तो 2 कप मेरा हो गया है बेसन। अब उसमें मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए इस तरह से ये बेसन है, तो मैंने इसमें लिया है हल्का सा, मैं टर्मरिक पाउडर यूज़ करूँगी, हल्दी। तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, इससे हल्दी अच्छी लगती है ढोकले में। और शक्कर मैंने 2 चम्मच मिक्स की है, और हल्का सा सॉल्ट मिक्स किया है। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से, हाँ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ऑयल, इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1 कप पानी लिया है, 1 कप पानी ही बहुत हो गया था, तो ये पानी ले लिया है। उसके बाद अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटूँगी, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अब मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख दिया है। पुदीना धना इसकी बनाएंगे चटनी। और अब चटनी बना लेते हैं, तो उसके लिए मैंने 1 आधी हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट मिक्स किया है। और होटल जैसी हरी चटनी बनाने के लिए इसकी टिप होती है कि 1 या 1.5 चम्मच आप दही मिक्स करें इसमें। आप अपनी वो धनिया पुदीने की क्वांटिटी देखें, तो मेरे हिसाब से मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने 1.5 चम्मच लिया था, तो उसमें चटनी बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। चटनी रेडी है। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है मैं। सो अभी क्या क्या हो गया है मेरा काम, हाँ, मैंने वो बैटर 20 मिनट के लिए रखा था रेस्ट के लिए, तो उसका भी हो गया है। और साथ में मैंने स्टीमर भी अब रख दिया है, इसमें पानी में बॉईल आ जाए, फिर बस मैं उसका बैटर उसमें मोल्ड में डाल दूंगी। तो चलिए सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं तेल से, जिससे कि वो निकलने में आसानी रहे ढोकले को। तो ये वाला मोल्ड है, मैं इसको अच्छी तरह से पहले टिश्यू पेपर से काट लेती हूँ। तो ये है मोल्ड और ये है ब्रश ग्रीस करने के लिए, तो चलिए ग्रीस कर लेते हैं। और इनो पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी अब, और चटनी भी तैयार है धनिया पुदीने की। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करना पड़ता है, वरना बेसन जल जाता है, निकलता नहीं है, चिपक जाता है मतलब। तो ये तैयार है,
और साथ में इनो पाउडर की जरूरत पड़ने वाली है अब, तो उसमें बस बॉईल आ जाए उसके बाद हम डालेंगे। ज़्यादा भी एकदम, तो ये इसका बैटर भी तैयार है। इनो मिक्स, अब इनो मिक्स करेंगे। तो अब फाइनली इनो मिक्स हो रहा है और अब देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। मतलब मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको फेटा था, इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए, वरना इसका बैटर ना ख़राब हो जाता है, फिर अच्छी तरह से बनता ही नहीं है। तो एकदम परफेक्ट ये बन चुका था। और अब बस मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाकर जिससे कि ये एक जैसा हो जाए सभी में चारों साइड, उसके बाद फिर बस मैं इसको स्टीमर में रख दूँगी। तो यहाँ पर स्टीमर में पानी भी रख दिया है और ये देखिए उसमें बॉईल आ गया है। अब इसको हम कवर करके रख आप देंगे। बस इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम पर करना। तो ये सब्जी बन रही है प्याज की फुली और ये है स्टीमर भी रखा हो गया है, इसमें ढोकले बन रहे हैं। अब जल्दी से मैं आटा तैयार कर, और अब थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं कि इसके हालचाल कैसे हैं, तो सही बना या नहीं। तो माय गॉड, ये बिल्कुल सही बना था, ये देखिए इसमें से बिल्कुल परफेक्ट हुआ था, मैं इतनी खुश हो गई थी। ढोकले भी ठंडे हो रहे हैं तो अब ढोकले का पानी तैयार कर लेती हूँ मैं, मीठा राई डाल देते हैं पहले, साथ में कड़ी पत्ते भी। अब डालेंगे मिर्ची, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें। अब इसमें डालेंगे शक्कर, शक्कर नमक सब इसमें मिक्स कर दिया, थोड़ा इसको चलाना है। उसके बाद फिर हम 1 कप पानी और इसमें डालेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बने इसका पानी, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा लेमन डाल देंगे। मैंने आधा लेमन डाला था, आधे में मतलब उसका परफेक्ट टेस्ट हो गया था। और अगर जैसे ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर एक तो डालना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर मतलब ढोकले के हिसाब से थोड़ा पानी ज़्यादा ही लेना चाहिए इसका तड़के के लिए, क्योंकि ना मतलब ये ऑब्जर्व जल्दी कर लेता है बेसन, इसलिए। तो ये इसी में मैंने धना मिक्स कर दिया है जिससे ना वो स्प्रेड अच्छी तरह से हो जाएगा। और अब इसके यहाँ पर बारी है इसकी कटिंग करने की, मतलब इसको निकालने की, तो ये परफेक्ट होना चाहिए। तो अब आगे देखिए, बना लिया ना सही बिल्कुल। ढोकला बन गया है अच्छी तरह से, अब मैं इसको कट कर लूँगी और इसका पानी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है और रिस्पॉन्सिव भी है। और अब इस पर जो तड़का बनाया है वो मैं इसमें स्प्रेड कर दूंगी। बट इसकी भी एक ट्रिक है कि हमें मतलब एकदम ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है इसके ऊपर, और ये जो ढोकला बनाया है ये भी एकदम मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। बिल्कुल ठंडी नहीं, हल्के हल्के गर्म होनी चाहिए, पर बहुत तेज़ गर्म नहीं, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है पूरा, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे मिर्ची मैंने डाल दी, मिर्ची थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली थी क्योंकि वो पानी में हल्की सी वो तेल में गर्म होने के बाद पानी में पकती है तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा फिर गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर कोरिएंडर डाल दिया है। और उसके बाद देखिए, और अब पहले तो टेस्ट किया नहीं था, इफ्तार में ही किया था, और अब यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए मेरा बिल्कुल ढोकला एकदम परफेक्ट बना है। और मैं अब इसका एक स्लाइस निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। तो कितना देखिए, कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है एकदम, मतलब बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा था। और जब इसको खाया था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल मार्केट जैसा बना था। और ये देखिए पूरा तैयार है ढोकला, वाह बहुत ही अच्छा बना था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। स्पेशली इसलिए ज़्यादा मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि ना मतलब रोजे से थी उसके बाद भी एकदम परफेक्ट बना बिना टेस्ट किए हुए। तो ये मतलब बिल्कुल भी टेस्ट कुछ भी नहीं करा था। और ये मैं एक पोज देते हुए, अब इफ्तारी का वक्त हो गया है और ये है हमारी इफ्तारी। इसमें है रूह अफ़ज़ा माई फेवरेट, और ये ग्रेप्स, और ये हैं ढोकले जो कि मैंने सारे साथ में रख लिए थे, और विथ चटनी। फ्रेंड्स तो अब मैं कर देती हूँ ब्लॉग को एंड, और जैसा भी आज का दिन था आप लोगों के साथ शेयर किया। आज ढोकले बनाए थे तो मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि टेस्ट नहीं कर सकते तो कैसा क्या होगा उसका बैटर, तो थोड़ी सी टेंशन हो रही थी मुझे परफेक्ट बन जाए, बट इतना अच्छा लगा ना एकदम मार्केट जैसे बने। बट मैं उसका क्या हुआ, आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करना भूल गई, मतलब कि किस तरह से था, कैसा टेस्ट था, मैं आपको बताना भूल गई क्योंकि ना इफ्तार का टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी मतलब मैं वो इफ्तार में बिजी हो गई उसके बाद। और ये मेरा थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बच गया था, मैं अब जाके पीऊँगी। समझ नहीं आता इफ्तार में थोड़ा सा भी खा लेना, उसके बाद खाना भी नहीं खाया जाता है, फिर रात को भूख लगती है। तो बस मैं अब यही पी रही हूँ और बस अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।